हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमाज किचन। आज हम हमारे किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन के कोफ्ते। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो है आधा किलो चिकन का कीमा लेके रेडी किया हुआ है। यहाँ पे ये देख लीजिए, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब जो है हम बनाना स्टार्ट करते हैं और इंग्रेडिएंट्स जो है उसी को साथ साथ दिखाते भी रहेंगे। तो सबसे पहले ये जाएगा, तो ये हमारे पास है, ये हमने 3 बड़ी प्याज ली है, उसको अच्छे से चॉप कर लिया है। और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे जो है 5 हरी मिर्च ली है, उसको भी चॉप कर लिया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं हरी मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार। यहाँ पे हमने 5 हरी मिर्च ली है क्योंकि हम यहाँ पे आधा किलो जो है वो कीमा लिए हैं, ठीक है। और अब ये हम ऐड कर देंगे, ये देखिए ये हमने डाल दिया है। अब जो है यहाँ पे हमने ये गरम मसाला लिया है, ये हमने आधा चम्मच गरम मसाला लिया है, ये ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने ये चने का पाउडर लिया है, जो खाने वाले चने होते हैं वो, उसको अच्छे से पीस के पाउडर बना लिया, ये 2 चम्मच हम ऐड करेंगे। ये कोफ्तों का जो है रेडी हो रहा है। इसके बाद हम आपको ग्रेवी का दिखा देंगे कि ग्रेवी में क्या क्या लगेगा। और अब हम जो है ड्राई मसाले हमारे ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने धनिया पाउडर लिया है आधा चम्मच, आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर ली है, वो डाल देंगे अब इसमें। ये हमने लाल मिर्च ले ली है, ये भी आधा चम्मच ली है, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच डाल दी हमने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि इसमें जो है हरी मिर्च भी डली है, इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हमने आधा चम्मच नमक लिया है इसमें, यह हमारा हो चुका है। अब जो है हम इसमें, यहाँ पे हमारे पास जो है हरा धनिया और पुदीना है, तो ये हमने चॉप कर लिया था और इसको भी अब हम ऐड इसमें कर देंगे। देखिए इसको भी ऐड कर दिया है हमने, हो गया। अब हम जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया है। अब हम जो है इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ, एकदम अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। देखिए अच्छे से हमारा जो है वो मिक्स हो गया है। अब हम जो है इसको शेप दे देंगे, इसको गोल गोल कर लेंगे, कोफ्ते की शेप में दे इसको कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और आप जो है कोफ्ते का साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना बड़ा छोटा खाना पसंद हो। हम जो है एकदम मीडियम साइज लेंगे, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। इसको ऐसे आप इसके कोफ्ते बना लीजिए गोल गोल, ये देखिए। ऐसे ही हम दूसरा भी बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा दूसरा भी बन चुका है। ऐसे ही करके हम जो है हमारे सारे कोफ्ते बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे सारे जो कोफ्ते हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। अब जो है हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये जो हमारे कोफ्ते हैं वो एकदम रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसको हमने एकदम लाइट ब्राउन किया है, बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन भी नहीं किया है, एकदम हल्के से लाइट ब्राउन है ये। अब हम इनको निकाल लेंगे। ऐसे ही देखिए हमने जो है हमारे सारे कोफ्ते जो है वो निकाल लिए हैं और इनको एकदम लाइट गोल्डन ही किया है, ज़्यादा डार्क नहीं किया है हमने इसको। अब हम जो है, और क्योंकि ये चिकन का गोश्त था तो इसको ज़्यादा भी पकने में टाइम नहीं लगता है, इसीलिए एकदम लाइट गोल्डन किया हुआ है। अब जो है हम इसकी ग्रेवी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे। तो ग्रेवी में जो है अब हम जो डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हमें जो लगेंगे वो है, यहाँ पे हमने गरम मसाला लिया है, ये देखिए। यहाँ पे हमने 5-6 जो है वो काली मिर्च ले ली है, 3 लौंग ले ली है, ये जावित्री ले ली है, और एक कितना छोटा दालचीनी का टुकड़ा, ज़ीरा, और यहाँ पे हमने हरी इलायची ले ली है, 2 हरी इलायची, और यहाँ पे 2 तेज़पत्ता ले लिया है हमने। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हमने जो है 3 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लिया है। यहाँ पे हमने आधा चम्मच हल्दी ली है और यहाँ पे हमने लाल मिर्च ली है, वो है 1.5 चम्मच। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आप तीखा खाना पसंद करें। और यहाँ पे लास्ट में हमने नमक लिया है 1 चम्मच और
आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट अनुसार आपके। और अब ये हम आ जाते हैं ये यहाँ पे, ये जो है हमारे यहाँ पे हमने एक पेस्ट रेडी किया है। इसमें हमने जो 3 बड़ी प्याज है उनको पहले हमने बरिस्ता बना लिया है, उनको अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लिया था, और उसके बाद हमने उसका पेस्ट बना लिया और उसके अंदर 5 चम्मच दही ऐड किया है। तो ये पेस्ट हमारा बन के रेडी है उसका। और साथ ही साथ यहाँ पे है अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें ऐड करेंगे। अब हम हमारे ग्रेवी की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है। हम जो है हमारे सारे मसाले जो है इसी पेस्ट में ऐड कर देंगे और पानी डाल देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो पैन में जाके बिल्कुल भी चिपके ना और जले भी ना। तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप भी अपने जो मसाले जब आप डालते हैं ड्राई मसाले तो आप ऐसे डाल सकते हैं। देखिए हमने हमारे सारे ड्राई मसाले डाल दिए हैं, नमक, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च, ये सब हमने लहसुन अदरक के पेस्ट में डाल दिया है। अब इसमें हम जो है पानी ऐड कर लेंगे, इसमें हमने पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ही पानी ऐड करें आप, ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें, बस इतने ही जितने ये मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं और पैन में जाके जले ना। ये देखिए ये हमारा जो है वो तेल अच्छे से हो गया है। अब जो है हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे हमारा गरम मसाला जो था वो ऐड कर दिया है। अब हम जो हमारे ड्राई मसाले जो हमने भिगा के रखे थे इसमें वो ऐड कर देंगे। ये देखिए ये हमने हमारे जो है मसाले भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि हमने जो हमारे मसाले में पानी डाल के रखा था तो जो मसाले हैं वो बिल्कुल भी नीचे लगते नहीं हैं और अच्छे से कुक भी हो जाते हैं और जलते भी नहीं हैं। ये देखिए ये हो रहा है, अब इसको हम थोड़ी देर से ही कुक होने देंगे। ये देखिए ये जो मसाला है हमारा एकदम अच्छे से हो गया है, तेल जो है वो अब ऊपर आ गया है, इसका मतलब मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है। अब जो है हम इसमें हमारे कोफ्ते ऐड कर देंगे, ताकि जो रही सही कसर अगर बासगी होगी कुछ अगर नहीं पके होंगे थोड़े से अंदर से तो वो कोफ्तों में हो सॉरी मसाले में जो है वो पक जाएंगे। ये हमने हमारे कोफ्ते ऐड कर दिए हैं, ये देखिए ये हमारे कोफ्ते भी हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम जो है आलू भी इसमें ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आलू ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। हम जो है कोफ्तों में जो कोफ्ते का ग्रेवी बनता है उसमें आलू भी ऐड करते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये अब डाल के अच्छे से इसको भी जो है आलू गलने तक भून लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिसमें हमारे जो आलू हैं वो गल जाएं। ये देखिए ये जो है हमारा अच्छे से हो चुका है और जो हमारे आलू हैं वो भी गल चुके हैं। अब जो है हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं वो बनके एकदम तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं ये, और ऊपर से जो है हमने हरा धनिया का गार्निशिंग की है। ये देखिए ये जो चिकन के कोफ्ते हैं बड़े ही टेस्टी दिख रहे हैं। आप भी इनको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही, ताकि हम और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आपके साथ वापस जुड़ सकें।